एक जरूरी बेनती हो रहा है, हर एक पिंड च दो दो तीन तीन गुरुद्वारे बने हैं, पत्थर लगे ने, बहुत वधिया गुमट बने ने, वधिया इतों भी बनने चाहिए, पर सारी ड्यूटी ग्रंथी नूं सौंप दित्ती है। सफाई तुसी करनी है, नितनेम तुसी करना है, राखी भी तुसी करनी है। एक बंदा एक ग्रंथी सिंह 24 घंटे गुरु घर नहीं रह सकता है, बीमार थमार हो सकता है, रिश्तेदारी जाना पै जा सकता है। जे गुरुद्वारे बनाया तो चंगी गल है, उहदी रखवाली भी सानू आप करनी पवेगी, किसी की आस ना कदी करियो। हाथ तो हो के साडे मगर लोग पए आ ते कित्थों गुरु ग्रंथ साहिब तों शुरू कर दिया। एक घर की रोज सेवा लाई जाए, जिड्डा वड्डा पिंड है ते महीने च एक वारी आएगी, महीने च एक दिन सफला हो जाएगा, गुरु दे लेखे लाके दिने बीबियां सेवा करन ते रात नूं उत्थे दो भाई पहरा देन ते तुहानूं इह गल सुननी नहीं पवेगी। ते जे गुरद्वारे बना के ग्रंथी नूं सौंप देने है ते ग्रंथी नूं तनखाह उन्नी देनी है जिन्ने घर पट्ठे पाउण वाले भइए नूं भी नहीं दित्ती, जिन्नी भइए नूं दित्ती उन्नी ग्रंथी नूं भी नहीं दित्ती, ते काम सारा ग्रंथी तों करवाउणा। जकारे छड्डो जिन्ने मर्जी राज करेगा खालसा, पर साडे असार खालसे दे राज करन वाले नहीं। जिहड़ी कौम चारां दा सत्कार करे ते बाणी पढ़न वालियां दा अपमान करे, फिर जकारे ही ने पल्ले, होर कुछ नहीं रहना। साध संगत बनाओ चंगे गुरद्वारे, एदू वधिया बनाओ, पर पहला उहदी संभाल दा इंतजाम करो। कि एडा पिंड, एक उत्थे दो पहरेदार नहीं रख सकता, एक दिने पहरा दवे, जे नहीं करदे ने करनी सेवा उत्थे दो पहरा तो दे सकदे, फिर सड़कां ते कट्ठ करन दा की फायदा। किसे ने तुहानूं सड़कां ते बैठे इंसाफ नहीं दिता ते ना अगे वास्ते देना। जदों पलंग डाह के बह जांदे हरिमंदर साहिब दे विच, दो सिंह आउंदे आ, किहड़ी सरकार तों भीख मंगदे आ, ते वढ के मस्से रंगड़ दा सिर लै जांदे, मुड़ के हरिमंदर साहिब च पलंग नहीं डाया किसे ने साथ संग। सो बेनतियां ने, जे साडा गुरु ही पंथ की तां रहेगी, जे ग्रंथ की रहेगी, जे ग्रंथ की नहीं रही तां पंथ की किवें रह सकदी है। सो साध संगत जी, भाई गुरदास कहिंदे जी, कौम दा आगू कौम नूं रसातल च लजाणा चाहुंदा है ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮ ਕਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਕੌਮ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰਵਾਉਣ ਕੌਮ ਤਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਗੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਦੇ ਕਿਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਗੁਰ ਭਰਮਾਏ ਸਾਂਗ ਕਰ ਕਿਆ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਭਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਿਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਆਹ ਵੀ ਹਰ ਕਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹਰ ਸਾਲ ਉਦਮ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ,